हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीना है। वेलकम टू माय चैनल रीना की रसोई। आज हम होली के लिए गुजिया बनाएंगे। मैंने इसे डीप फ्राई करके और बिना फ्राई किए दोनों तरीक़ों से बनाया है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैदा और पानी को अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। डो तैयार हो जाने के बाद इसे कवर कर देंगे और सेट होने के लिए 1 घंटे रख देंगे। जब तक डो सेट होगा हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मावे को भूनना है। मावे को ज़्यादा नहीं भूनेंगे। जैसे ही मावा भुन जाएगा इसमें भुनी हुई सूजी डालेंगे। इसके साथ ही कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश भी डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और मावे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मावा के ठंडा हो जाने पर इसमें शक्कर मिलाएंगे। क्योंकि हम गुजिया को डीप फ्राई करेंगे इसलिए मैंने शक्कर को पीस के नहीं लिया है। आप चाहें तो पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर को मावे के साथ अच्छे से मिलाना है। अब हम गुजिया बनाएंगे। इसके लिए डो को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक भाग को वापस से कवर कर देंगे और दूसरे भाग से लोइया तैयार करेंगे। क्योंकि हम गुजिया बनाने के लिए मोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए उसी के हिसाब से लोई तैयार करेंगे। बेलने के लिए सूखे आटे का इस्तेमाल करेंगे। बेल लेने के बाद इसे मोल्ड में रखेंगे और स्टफिंग डालेंगे। इसके बाद इसके एजेस पर पानी लगाएंगे ताकि गुजिया अच्छे तरीके से चिपकी रहे और फ्राई करते समय टूटे ना। इसके बाद जिस पोर्शन पर स्टफिंग डाली है उसको दूसरे पोर्शन से कवर करके मोल्ड को बंद कर देंगे। मोल्ड को हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसके बाद मोल्ड को खोलेंगे और एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे। इसी तरह से हम सारी गुजिया तैयार करेंगे। अब गुजिया को फ्राई करेंगे। इसके लिए तेल मीडियम गरम होना चाहिए और फ्लेम लो मीडियम होना चाहिए। यदि तेल ज़्यादा गर्म होगा तो गुजिया ऊपर से सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। गुजिया को दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई कर लेने के बाद इसे किचन टावल पर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी गुजिया को फ्राई करेंगे। अब हम बिना डीप फ्राई किए गुजिया बनाएंगे। इसके लिए मैंने एयर फ्रायर का इस्तेमाल किया है। इसके लिए एयर फ्रायर को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। इसके बाद एयर फ्राई की बास्केट में गुजिया को रखेंगे। आप चाहें तो इस समय गुजिया के ऊपर ऑयल लगा सकते हैं। इसके बाद गुजिया को 180 डिग्री पर 5 से 6 मिनट के लिए एयर फ्राई करेंगे। दोनों गुजियों के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।